अंकिता मैं निकल रहा हूँ फिर। अरे अजय भाई आप? वो घर में चीनी खत्म हो गई थी तो। हाँ ऑफिस का टाइम हो गया ना, निकलता हूँ। ठीक है अंकिता, ठीक है अंकिता, निकलता हूँ। और हाँ चाय बना के दे देना अजय भाई को, चाय पी के जाना अब। हाँ हाँ पड़ोसी है, इतना तो फर्ज बनता ही है। बहुत अच्छी चाय बनाती है। ठीक है मैं निकलता हूँ। गया क्या? हाँ बाबा चला गया। अच्छे से चेक कर लो, कहीं यहीं खड़ा ना हो। नहीं नहीं चला गया। यार मैं कह रहा था कि हम रोज ऐसे मिलते हैं, कहीं तुम्हारे पति को पता चल गया तो। अरे यार हम थोड़ी उसे बता रहे हैं, और उसे क्या सपना आ रहा है कि हम दोनों साथ हैं। वैसे भी एक साल हो चुका है हमें, तुम क्यों इतना डरते हो? यार तुम्हारे चक्कर में ना मेरा मन नहीं करता शादी करने का। तो शादी करके करना भी क्या, मैं हूँ ना, और तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी करोगे, मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। ये बार बार घंटी क्यों बज रही है? मुझे क्या पता कौन हो सकता है इसे। मुझे भी नहीं पता, कहीं तुम्हारा पति तो ना हो। अरे नहीं नहीं वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, रुको मैं देखती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो, मैं कहाँ छुपूँ? अरे यार तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं देखती हूँ गेट पे कौन है। अरे बेबी तुम हैरान हो या खुश हो? नहीं मैं तो खुशी हो रही हूँ, पर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? वो में थी। अरे नहीं यार मैं भूल गया था, आज तो ऑफिस की छुट्टी है। कल मेरे को ग्रुप में मैसेज भी आया था, मुझे पता नहीं कैसे याद भूल गया। अरे सुनो उधर कहाँ जा रहे हो, बैठते ना थोड़ी देर इधर। क्या हो गया? ऐसे ही हम कभी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते ना तुम्हारे ऑफिस की वजह से, तो आज तो तुम्हारी छुट्टी भी है। मैडम रोमांटिक मूड में आ जा। चलो जा। अच्छा पानी पिला दो ना प्लीज। ठीक है। हाँ भाई। अरे हाँ छुट्टी है यार, मैं गलती से चला गया था ऑफिस। पानी दे दो यार। लाई ये लीजिए पानी। क्या हुआ डरी डरी से क्यों? अरे नहीं मैं क्यों डरूंगी। वो अजय भाई आए थे, वो चीनी लेने चले गए क्या? हाँ वो तो चीनी लेके तभी चले गए थे, वो क्यों यहाँ रुकेंगे। हाँ ये भी है। अजय भाई आप? हाँ भाभी जी ने कहा था कि पंखा खराब हो रहा है तो ठीक कर दो, तो मैं पंखा ठीक करने आ गया। पंखा? तुमने तो कहा कि चीनी लेके चले गए थे। हाँ लेके चले गए थे, तो हमारे ही घर का पंखा खराब हो गया ना, तो मैंने इन्हें बुला लिया। अभी ठीक हो गया क्या पंखा? बस थोड़ी सी खराबी रही है, बाकी कभी आके मैं कर जाऊंगा। चलो पड़ोसी पड़ोसी के काम गए तो और क्या। हाँ ये तो है भाई साहब। चलो भाई साहब मैं निकलता हूँ, ये फ्रिज का सीन रख देता हूँ मैं। वैसे पंखा ठीक करवाने की जरूरत क्या थी, अभी तो सर्दियां हैं, वैसे भी पंखा तो हम चालू भी नहीं करते। मैंने सोचा गर्मियों के लिए काम आएगा तो इसीलिए। सब ठीक तो है ना बेबी? हाँ ठीक है, क्या हुआ? नहीं जब से अजय भाई गए हैं तब से तुम बहुत अलग बिहेव कर रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पहले भी हमारे घर पे आते थे ना, चीनी मांगने चाय पत्ती मांगने, इसमें नया क्या है? पक्का ना? हाँ पक्का बाबा। ठीक है मैं आती हूँ। क्या हुआ बेबी सब सही है ना? अरे ठीक है, बार बार क्यों पूछ रही हो अब? नहीं ऐसे ही, पर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं आएगा कि सवाल बार बार पूछ रही हो? चलो ठीक है नहीं पूछ रही मैं। अंकिता? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पागल हो गई हो क्या? रात के 12 बजे और तुम यहाँ क्यों आ गए? मेरे पति ने देख लिया तो। अरे तुमने तो मैसेज किया था कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। मैंने कब तुम्हें मैसेज किया?
मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, मुझे लगा तुम्हारा पति ऐसे वैसे कुछ रिएक्ट ना कर ले, तो अब तुम्हारा मैसेज आया तो अब मुझे कुछ चैन आया। यार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरा पति वॉशरूम गया, अगर उसने देख लिया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, जाओ। और तुम कौन से मैसेज की बात कर रहे हो, मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। और एक सेकंड रुको, ये देखो इसमें तो कोई चैट भी नहीं शो कर रहा है। इसमें तो कोई मैसेज शो नहीं कर रहा, तुमने मैसेज नहीं किया तो किसने किया? मैंने किया मैसेज, और तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम्हें हमेशा भाई की तरह माना मैंने, छोटी छोटी बात पे अजय भाई ये अजय भाई वो, और तुम ऐसे निकले। मैंने किया था मैसेज जब तुम वॉशरूम गई थी तुम्हारे फोन से, और सारे चैट डिलीट कर दिए थे, और नोटिस तुम्हें बहुत दिनों से कर रहा था तुम्हें, लेकिन मैं खुद देखना चाहता था कि तुम मेरे जाने के बाद क्या करती। मैंने बहुत बार सोचा कि इंसान से गलती होती है, तो मैं एक बार मौका देके देखता हूँ, लेकिन ये तो रोज का ही हो गया था। मैं जब ऑफिस के बाहर जाता और अजय भाई कोई ना कोई बहाने से हमारे घर पे एंटर कर जाते। बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है, तुमने मेरी तो लाइफ खराब कर दी ना। चलो कोई नहीं, अगर तुम्हें अजय भाई के साथ अच्छा लगता हो जाओ उनसे शादी कर लो, कोई बात नहीं, जिस चीज में तुम्हारी खुशी है उसी में खुश रहो, और कल सुबह मिलते हैं कोर्ट में, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना मिल जाएगा। नहीं बेबी प्लीज डिवोर्स मत करना, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे चाहिए अंकिता, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो।